तो यूनाइटेड स्टेट्स में 13 जुलाई से शुरू होने वाली मेजर लीग क्रिकेट की पूरी तैयारियां अपने चरम पर पहुंच गई हैं और तमाम टीम्स अपने खिलाड़ियों के साथ साथ प्रैक्टिस सेशन में पसीना बहाने में जुटी हुई हैं और जो प्लेयर्स अभी तक अपनी टीमों के साथ नहीं जुड़े थे वो भी जुड़ रहे हैं और तकरीबन सभी टीमों के ड्राफ्ट कम्प्लीट हो चुके हैं। सभी टीमों ने अपना सपोर्ट स्टाफ भी अनाउंस कर दिया है और हमने 2 वीडियो ऑलरेडी इस लीग पर कर रखी है। पहली वीडियो हमने की जिसमें मैंने आपको इस मैचेस टाइमिंग बताए थे, सारी टीमों के ओनर्स के बारे में भी बात की थी और सारी टीमों के उस समय के ड्राफ्ट प्लेयर्स के बारे में भी हमने आपको जानकारी दी थी और उसके बाद पिछली वीडियो में मैंने आपको सभी टीमों की फाइनल स्क्वाड भी बताई थी और यह भी बताया था कि किस तरीके से कौन सी टीम थोड़ी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है, स्टार प्लेयर्स का क्या सीन है। और जैसे कि काफी सारे फैंस हमारे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई सभी टीमों के बारे में थोड़ी सी रिस्पेक्टिव बात करो, खास करके आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज ने एमएनसी में टीम खरीदी हुई है लाइक नाइट राइडर्स ग्रुप, लाइक मुंबई इंडियंस एंड द सुपर किंग्स ग्रुप, तो उनके बारे में सेपरेट वीडियो और प्लेइंग 11 लेकर के आज हम आपके सामने आए हैं और शुरुआत कर रहे हैं लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स से। IL T20 में आबू धाबी नाइट राइडर्स हैं, CPL में ट्रिनिबैगो नाइट राइडर्स हैं, IPL में ऑफकोर्स कोलकाता नाइट राइडर्स हैं और अब MLC में अपनी चौथी टीम लेकर के उतरने वाले हैं लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स। तो सबसे पहले अगर लॉस एंजलिस की स्क्वाड पर नजर तो यहां पर आंद्रे रसल, सुनील नारायण, जेसन रॉय, लोकी फर्गसन जैसे फेमिलियर फेसेस हैं, उसके अलावा मार्टिन गप्टेल, एडम जैम्पा, रायली रोसो जैसे सुपरस्टार्स हैं, उसके बाद स्पेंसर जॉनसन, अली खान, गजानन सिंह, उन्मुख चांद, जसकरण मल्होत्रा और नीतीश कुमार जैसे टैलेंटेड लोकल प्लेयर्स भी इस टीम के पास हैं। और इस वीडियो को शूट करने से कुछ घंटे पहले ही सुनील नारायण को अपना कैप्टन भी अनाउंस कर दिया है, यानी कि आबू धाबी नाइट राइडर्स के बाद अब लॉस एंजेलिस नाइट राइडर्स की कप्तानी भी सुनील नारायण करने के लिए तैयार हैं। एक सोच थी कि क्या आप आंद्रे रसल की तरफ जा सकते हो या किसी और खिलाड़ी की तरफ जा सकते हो, बट जो सबसे बड़ी ब्रांड है कोलकाता नाइट राइडर्स की, सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट है कोलकाता नाइट राइडर्स का, चाहे वो IPL की बात करें, चाहे आप IL T20 की बात करें या फिर आप MNC की बात करें, सबसे सीनियर, सबसे बेहतरीन खिलाड़ी, सबसे बड़े मैच विनरों में से एक सुनील नारायण को उन्होंने अपने कप्तान बनाया है और साथ ही साथ अपना नया सपोर्ट स्टाफ भी उन्होंने अनाउंस कर दिया है, जहां पर रायन टेन डशकाट और भरत अरुण जो कोलकाता नाइट राइडर्स में KKR के साथ थे वो LA KR के साथ भी बने हुए हैं। वहीं फिल सिमंस को उन्होंने अपना हेड कोच बनाया है और AR श्रीकांत टीम के हेड एनालिस्ट भी होंगे। अब फिल सिमंस काफी सारी टीमों के साथ कोचिंग कर चुके हैं और CPL में बारबेडॉस ट्राइडेंट जो अब बारबेडॉस रॉयल्स बन चुकी है, राजस्थान रॉयल्स की एक सिस्टर टीम है, उसके कोचिंग भी वो कर चुके हैं और 2019 में बारबेडॉस ट्राइडेंट्स को CPL का खिताब भी वो जितवा चुके हैं। तो फिल सिमंस एक बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस कोच है, चाहे आप बात करो जिम्बाब्वे की टीम उनके साथ वो रह चुके हैं, वेस्ट इंडीज के साथ वो रह चुके हैं, तो काफी सारी टीमों के साथ वो अपना समय बिता चुके हैं और एक बहुत ही एक्सपीरियंस T20 के मजे हुए कोच है। देखना होगा कि क्या उनको IPL में भी लेकर के LA KR आती है, KKR आती है या फिर वो LA KR तक ही थोड़ा सा महदूद रहते हैं, बट फिलहाल एक अच्छा कंसिस्टेंट सपोर्ट स्टाफ जो कि हर जगह आपको दिखाई दे रहा है, जैसे आप KKR में देखते हो, तो उसी को थोड़े प्लेयर्स के साथ साथ कंटिन्यूएशन में लाने की कोशिश की गई है यहां पर LA KR से। वहीं अब अगर लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 पर नजर डालें, जो कि हमें पहले मैच में MLC के पहले मैच में टेक्सास सुपर किंग्स के सामने खेलते हुए दिखाई देगी, तो यहां पर मेरे ख्याल से उन्मुख चंद के साथ जेसन रॉय हमें पारी की शुरुआत करते हुए दिखाई देंगे, उसके बाद नंबर 3 पर रितेश कुमार, देन रायली रोसो, जसकरण मल्होत्रा एज अ विकेट कीपर, आंद्रे रसल, सुनील नारायण, शैडली वैन शेलविक, अली खान, लोकी फर्गसन और एडम जैम्पा के साथ मैं यहां पर जा रहा हूं। मैं मार्टिन गप्टिल को करके थोड़ी सी अपने बल्लेबाजी स्ट्रॉन्ग करना चाहता था, बट इस टीम के साथ समस्या वो है जो दिल्ली कैपिटल्स के साथ IPL में थी कि टॉप 3 के बहुत ज्यादा बल्लेबाज इनकी स्क्वाड में है। अगर आप देखो तो उन्मुख चंद ओपनिंग बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं, उनको तो आपको खिलाना ही खिलाना है। जेसन रॉय और मार्टिन गप्टिल के बीच में थोड़ा सा टॉस अप था, लेकिन मैं जेसन रॉय को प्रेफर कर रहा हूं। उसके बाद नीतीश कुमार नंबर 3 पर, उनके आंकड़े बहुत ही अच्छे हैं, कई कई बार वो 140 के स्ट्राइक रेट से ऊपर बल्लेबाजी भी करते हैं, युवा है और आपको एक
ऑफ स्पिन गेंदबाजी का भी विकल्प देते हैं, तो एक आपके पास छठा या सातवां बॉलर भी आपको मिल जाता है डिपेंडिंग आप क्या प्लेइंग 11 खिलाते हो। उसके बाद आंद्रे रसल आपके पास हैं, सुनील नारायण आपके पास हैं, शैडले वैन भी अच्छी खासी बल्लेबाजी कर सकते हैं, तेज गेंदबाजी कर सकते हैं, अली खान लोगी फर्गसन के रूप में दो अच्छे तेज गेंदबाज आपके पास है, उसके बाद शैडले हो गए, आंद्रे हो गए, तो चार पेसर्स आपके पास हो गए, एडम जैम्पा के रूप में एक लेग स्पिनर आपके पास है, सुनील नारायण के रूप में एक मिस्ट्री बॉलर आपके पास है जो कि आपके कप्तान है और साथ ही में ऑलराउंड क्षमता भी आपको देते हैं, और उसके बाद अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप नीतीश कुमार से भी गेंदबाजी करवा सकते हो। तो रायली रोसो अपने प्रेफर्ड पोजीशन से एक पायदान नीचे जरूर खेल रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता कि इतनी ज्यादा परेशानी उनको होनी चाहिए। देखना होगा विकेट का नेचर किस तरीके से रहता है, जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा हमें और ज्यादा चीजें देखने को मिलेंगी, थोड़ा और ज्यादा समझने को मिलेगा, जैसे हमने SA20 के बाद अब हम थोड़ा सा ज्यादा बेटर प्रिपेयर्ड होंगे जब उसका अगला सीजन आएगा। बट फिलहाल लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स की ये प्रोबेबल प्लेइंग 11 है, मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है। थोड़ी सी आप कह सकते हो कि बैटिंग डेप्थ हल्की सी कम जरूर है, मे बी थोड़े से ज्यादा ऑलराउंडर्स या थोड़े से ज्यादा बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं और जो टॉप चार बल्लेबाज हैं इनके उन पर ये टीम बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही है, खास करके जेसन रॉय, उन्मुख चंद और रायली रोसो के ऊपर टीम बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी, क्योंकि ना सिर्फ इनके पास अनुभव है बल्कि थोड़े से स्टार प्लेयर भी ये टीम के हैं, और रसल और सुनील नारायण की ऑलराउंड परफॉर्मेंसेस पर भी टीम बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी। तो LKR मेरे ख्याल से पूरी तरीके से सेटल्ड दिखाई दे रही है। अब आपका इस स्क्वाड और इनकी प्लेइंग 11 पर क्या ओपिनियन है फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, और क्या आप सुबह सुबह का अलार्म लगा करके MLC को एंजॉय करने के लिए उठोगे या फिर थोड़ा सा हाइलाइट्स और स्कोर बोर्ड से ही काम चलाओगे। अगर आप जानना चाहते हो मैचेस कब शुरू होंगे, टीम के ओनर्स कौन हैं, नियम कायदे कानून क्या है MLC के, तमाम जानकारियां तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो करके रखी हुई है, आप उसको जाकर के देख सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें क्योंकि अगली ही वीडियो दूसरी टीम पर फटाक से आने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट video.